मीडिया में एंकर ही होते हैं जो देश की बात जनता के सामने रखते हैं अपने डिबेट्स या शोज के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स या शोज देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते में किन मुद्दों को तवज्जो दी। सबसे पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। रवीश अक्सर जनता की परेशानियों को अपने शो प्राइम टाइम के जरिए सामने रखते हैं। इस बार भी उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। एनडीटीवी के अरविंद गुणाशेखर की रिपोर्ट है कि फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ANSSI ने पुष्टि कर दी है कि मीडिया पार्ट के दो पत्रकारों के फोन में पेगासस था। इस सुरक्षा एजेंसी ने इन पत्रकारों के फोन की फोरेंसिक जाँच की है। मीडिया पार्ट भी उन 17 मीडिया संगठनों में शामिल है जिन्होंने मिलकर पेगासस जासूसी कांड का पर्दाफाश किया है। इसके दो मतलब हैं। आतंक के नाम पर बेचे गए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पत्रकार के फोन की जासूसी में हुआ है। दूसरा, मीडिया पार्ट रफाल घोटाले के पर्दाफाश से भी जुड़ा है। यह पहला ऐसा मामला है जब किसी सरकारी एजेंसी ने इस मामले में जांच की है और आरोपों को सही पाया है। NSO अभी तक कहती रही है कि जासूसी के लिए संभावित लोगों की जो सूची सार्वजनिक की जा रही है वो सही नहीं है। भारत सरकार भी इस तरह की सूची को मनगढ़ंत मानती है और जांच से इनकार करती है। फ्रांस की इस रिपोर्ट के बाद पेगासस जासूसी कांड को हवा हवाई बताना आसान नहीं रहेगा। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने कौन से मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। संदीप ने कई जरूरी मुद्दों पर डिबेट की। मतलब एक व्यक्ति तो 550 किसानों की मौत का दावा कर रहे हैं किसान संगठन। सरकार कहती है हमारे पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, उस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए संसद में? आरती सिंह, चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि जब विषय का उत्तर दिया जा रहा हो कागज फाड़ कर फेंक दी देने चाहिए। हुआ ना अभी कि जब मंत्री जी बयान का कोई उत्तर दे रहे हैं आप कागज फाड़ कर फेंक देंगे, आप वहां पर हल्ला करेंगे। आप करिए ना, हम तो कह रहे हैं चर्चा खुलकर करिए, एक एक बिल पर किसान के एक एक मुद्दे पर करिए। और जो मेल नहीं, कौन करेगा, कौन करेगा? सुनिए ना, स्थगन प्रस्ताव के नोटिस का संज्ञान नहीं ले रही सरकार। जो महेश चंद्र जी कह रहे हैं, कृपा करके महेश चंद्र जी कृपा कर सारे दलों को साथ लेकर आइए और बोलिए हम चर्चा करने को तैयार हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार चर्चा करने को तैयार है, कृपा कर उसको डायवर्ट मत करिए। मैं खुद पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ किसान मुद्दों पर चर्चा हो। अब बात गोदी मीडिया के एंकर्स की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 3 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन एक के बाद एक विपक्ष के पीएम उम्मीदवार सामने आने लगे हैं। महागठबंधन बनाने की कोशिशें होने लगी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने साफ साफ कहा चुनाव अभी दूर है, लेकिन तैयारियां तो पहले ही शुरू कर देनी पड़ती हैं। ममता बनर्जी ने आज कई सीनियर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की। कल वो सोनिया गांधी से चाय पर चर्चा करने वाली है, लेकिन इस बीच शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को भी पीएम कैंडिडेट के तौर पर सामने कर दिया है। संजय राउत कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पूरे देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, तो दूसरी ओर सोनिया गांधी राहुल गांधी की दावेदारी पर भी कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूं। आखिर इस हंगामे से देश का भला कैसे होगा? और सवाल ये भी है कि विपक्ष के पास मोदी के खिलाफ आखिर कितने पीएम उम्मीदवार हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा करनी जरूरी समझा।
ऐश्वर्या अपनी डिबेट में सरकार से सवाल करते तो नजर नहीं आ रहे, उनके द्वारा ज्यादातर सवाल विपक्ष से ही किए गए। देखते हैं उनकी एक डिबेट। दोस्तों, राम मंदिर के विरोधी आज, जी हाँ, राम मंदिर के विरोधी आज चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। किसका हिसाब मांग रहे हैं? जो राम मंदिर के नाम पे चंदा मांगा जा रहा था, इसलिए कि हर घर से जिसकी जितनी बूथ वो उतना कर दे, एक रुपया अठन्नी। योगी के सामने एक बौना बन चुका विपक्ष, मुद्दों की तलाश कर रहा है, ये एक असलियत है। आपको पता है, मुझे पता है, योगी आदित्यनाथ को पता है, अखिलेश यादव और बहन जी को, सबको पता है, सतीश चंद्र मिश्र बीएसपी के, और वो अकेले नहीं है, कई और नेता हैं अलग अलग पार्टियों। जनता का नाम लेकर पाई पाई, जैसे मैंने कहा, एक के सिक्के से लेके एक करोड़ तक, जिसका जितना है वो दे, हिसाब मांग रहे हैं। सही बात है भाई, नेता है, मांग सकते हैं। ये बात अलग है कि चुनाव से ठीक पहले बहन जी की पार्टी को राम की याद आई है, लेकिन वो भी कैसी याद आई है, ये आप देख लीजिए दर्शक। आपने दोनों तरह के मीडिया को देखा कि कौन आपको जानकारी प्रदान करता है और कौन सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करता है। अब आगे आपको तय करना है कि आपको किस तरह का मीडिया देखना है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पंजाब टुडे। धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।